Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and once again we are into our technical terms, and today's our technical term is from a hardware segment and it is DSLAM, right? DSLAM stands for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. A DSLAM is a device used by internet service provider. राइट तो डी एस एल ए एम जो डिवाइस है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लिक्स ये जो डिवाइस है ये कौन इस्तेमाल करता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो लोकली आपको केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो लोग आपको ये उन लोगों के पास ये डिवाइस रहता है टू राउट इनकमिंग डी एस एल कनेक्शन टू द इंटरनेट ठीक है जो आपके इनकमिंग कनेक्शन आ रहे हैं वो इंटरनेट को भेजने के लिए ये यूज़ करते हैं सिंस ए मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस मल्टीपल सिग्नल्स इनटू वन तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है बहुत सारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसे कंबाइन करके एक सिग्नल बनाता है डी एस एल ए एम कंबाइंस अ ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर ठीक है क्या करता है बहुत सारे सब्सक्राइबर को एक साथ कंबाइन कर देता है कनेक्शन इंटू वन एग्रीगेट इंटरनेट कनेक्शन क्या बनाता है एक एग्रीगेट इंटरनेट कनेक्शन बनाता है फॉर एग्जाम्पल अ डी एस एल एक्सेस मल्टीप्लायर मे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल द डी एस एल मॉडम्स इन अ सर्टन नेबरहुड एंड पिच देम थ्रू टू द इंटरनेट बैकबोन ठीक है तो क्या करता है सारे जो डी एस एल मॉडम्स होते हैं लोकली वो सारे जगह से वो डेटा कलेक्ट करता है और उसे एक सिंगल मोड पर ट्रांसफर करता है द डी एस एल लेम प्रोसेसेस ईच इनकमिंग कनेक्शन एंड मे लिमिट द बैंडविड्थ ऑफ सर्टन डी एस एल लाइन्स ठीक है और कैसे होता है कुछ कुछ जगह पे वो बैंडविड्थ भी कंट्रोल करता है कि इतना ही स्पीड आगे जाना चाहिए करके है ना द मोस्ट डी एस एल सर्विस प्रोवाइडर यूज मल्टीपल डी एस एल एम्स टू हेल्प राउट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल ठीक है तो एकदम अच्छे तरीके से डेटा को और जो ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल्स उसे मैनेज करने के लिए लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं आई बात समझ में तो दिस इज डी एस एल एम राइट सो कीप कमिंग कीप लर्निंग ऑल द बेस्ट